नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रमाकांत आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द केमिस्ट्री विद डॉक्टर रमाकांत में स्वागत करता हूं। छात्रों, वैद्य रसायन के पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा वैद्य रसायन क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। छात्रों, आज हम उसकी अगली कड़ी में चल रहे हैं, बात करते हैं सेल क्या होती हैं और सेल कितने प्रकार की होती हैं। अब प्रत्येक प्रकार की सेलों को हम छात्रों इस लेक्चर में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए छात्रों, बने रहिए मेरे साथ, शुरुआत करते हैं। छात्रों, सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से वैद्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो वही छात्रों हमने यहाँ लिखा है, समझने की कोशिश करें कि ऐसी युक्ति जिनके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है सेल कहलाता है। छात्रों, सेल ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं पर आधारित होने के कारण इन्हें रेडॉक्स सेल भी कहा जाता है, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया दोनों पैरेलल होती हैं, जिसके कारण इन प्रकार की सेलों को छात्रों रेडॉक्स सेल भी कहा जाता है। तो वही छात्रों हमने लिखा है कि ऑक्सीकरण अपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रियाओं पर आधारित होने के कारण इन्हें रेडॉक्स सेल भी कहा जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आज हम शुरुआत करते हैं दोनों प्रकार की सेलों को, और दोनों प्रकार की सेलों को इस लेक्चर में हम कंसंट्रेट करेंगे छात्रों। तो शुरुआत करते हैं पहले वैद्युत अपघटनी सेल की। छात्रों, वैद्युत अपघटनी सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से हम वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, अर्थात इस सेल के माध्यम से हम वैद्युत ऊर्जा देकर के स्वतः न संपन्न होने वाली रासायनिक अपक्रियाओं को संपन्न कराते हैं। वही छात्र हमने लिखा है, वैद्युत अपघटनी सेल एक ऐसी युक्ति है जिससे वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह सेल फैराडे के वैद्युत अपघटन के सिद्धांत पर आधारित है। इस सेल में वैद्युत भट्टियों के विलयनों का वैद्युत अपघटन कराया जाता है। ठीक, यानी वैद्युत अपघटन वही क्रिया है विद्युत के माध्यम किसी पदार्थ को अपघटित करना, तोड़ना, वैद्युत अपघटन कहलाता है। चलिए वैद्युत अपघटन होता क्या है इसे भी समझते हैं छात्रों। वैद्युत अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह से स्वतः अप्रवर्तित रासायनिक अपक्रियाएं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस यानी जो स्वतः संपन्न नहीं होती हैं को संपन्न कराया जाता है। इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऋणायन एनोड तथा धनायन कैथोड की ओर गमन करते हैं और अपना आवेश इलेक्ट्रोडों पर त्याग देते हैं। अर्थात छात्रों, इस सेल के माध्यम से हम आयनिक यौगिकों या इलेक्ट्रोलाइट्स का वैद्युत अपघटन करते हैं, इसलिए इस सेल का नाम विद्युत अपघटनी सेल पड़ा है छात्रों, क्योंकि इसके माध्यम से हम विद्युत अपघट्यों के विलयनों या फ्यूज्ड अवस्था यानी गलित अवस्था में विद्युत अपघट्यों का हम विखंडन विद्युत ऊर्जा देकर के विखंडित करते हैं, अपघटित करते हैं, इसलिए हम इसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। छात्रों, हमने यहां बताया कि इस सेल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ऋणायन एनोड की ओर तथा धनायन कैथोड की ओर गमन करते हैं। वही इस चित्र में छात्रों दिखाया गया है, अभी हम इसको इस चित्र के बारे में भी डिस्कशन करेंगे छात्रों, पहले इस बारे में ध्यान कर लेते हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं छात्रों आपको समझने की कोशिश करिए, जैसे क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 के जलीय विलयन में विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो Cl आयन किधर जाएगा, एनोड की ओर, क्यों, Cl आयन ऋणावेशित आयन है, ये एनोड की ओर जाएगा और कॉपर आयन कैथोड की ओर जाएगा, जहां पर ये अपने आवेशों को इन इलेक्ट्रोडों पर त्याग देंगे। जैसे आइए एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी, एनोड पर ये Cl आयन दो इलेक्ट्रॉन देकर क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाएगा और यही दो इलेक्ट्रॉन तार के माध्यम से कैथोड जो है कैथोड पर चले जाएंगे, यही दो इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के माध्यम से कैथोड पर चले जाएंगे और वहां पर कॉपर आयन कॉपर धातु में अपचयित हो जाएगा। तो अर्थात एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं और कैथोड पर अपचयन हो रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। अगर ओवरऑल हम इस सेल की बात करें तो ओवरऑल अर्थात क्रिया ये होती है, क्यूप्रिक क्लोराइड को विद्युत धारा देने पर कॉपर धातु और हमको क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। वैसे सामान्यतः यह अभिक्रिया नहीं होती है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, लेकिन हम वैद्युत ऊर्जा देकर के इन्हें संपन्न कराते हैं, इसलिए वैद्युत अपघटनी सेलों का उपयोग विद्युत अपघट्य पदार्थों के विद्युत अपघटन में किया जाता है। छात्रों, इस सेल का विद्युत अपघटनी सेल का धन ध्रुव एनोड तथा ऋण ध्रुव कैथोड होता है, क्यों होता है, क्योंकि यह बैटरी के भी इसका ऋण ध्रुव विद्युत अपघटनी सेल का बैटरी के
ध्रुव से और इसका धन ध्रुव बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है। अब चित्र की तरफ ध्यान करते हैं छात्रों। देखिए एक वैद्युत अवघट निश्चल है जिसे वैद्युत अवघट का विलयन या फ्यूज्ड अवस्था में विद्युत अवघट भरा हुआ है। हम जब इसमें बैटरी के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऋण आयन एनोड की ओर जा रहा है, एनोड की ओर जा रहे हैं और धनायन कैथोड की ओर जा रहे हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण किया होता है, ये ऋण आयन एनोड पर आकर के इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन, ये देखिए इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है बैटरी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉन फिर कैथोड पर आ जाते हैं, यहां पर धनायन इलेक्ट्रॉनों को लेकर के अपचयित हो जाता है। इसका धन ध्रुव एनोड होता है और इसका ऋण ध्रुव कैथोड होता है, क्योंकि एनोड का ध्रुव बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है और इसका कैथोड का ध्रुव बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है। ये ध्यान दीजिए दोनों को समान ध्रुवों से जुड़े होते हैं। छात्रों यहां पर हम देख रहे हो कि हमने धन ध्रुव को ऋण से दिखाया है जबकि ऋण ध्रुव को कैथोड को यहां पर यानी ऋण ध्रुव को हमने काले से दिखाया है। आप घरों में केबल देखिए, आपकी बैटरियां देखिए छात्रों, तो ऋण ध्रुव जो होता है यानी ऋण ध्रुव को ब्लैक केबल से जोड़ा जाता है और धन ध्रुव को रेड केबल से जोड़ा जाता है। तो ये भी समझ लीजिए कि रेड चिन्ह का हम का मतलब है कि रेड केबल धन ध्रुव से तथा ब्लैक केबल ऋण ध्रुव से जोड़ी जाती है। सेल चाहे जिस प्रकार का हो, चाहे वैद्युत करनी हो या गैल्वेनिक सेल हो, किसी प्रकार का सेल हो, ये ध्यान रखिएगा कि रेड केबल धन ध्रुव से और काली केबल ब्लैक केबल ऋण ध्रुव से जोड़ी जाती है। इसमें धन ध्रुव एनोड होता है और इसका ऋण ध्रुव कैथोड होता है वैद्युत अवकर्णी शैलों में, लेकिन गैल्वेनिक शैल में जस्ट इसके विपरीत होता है यानी वैद्युत रासायनिक शैलों में जस्ट इसके विपरीत होता है। चलिए छात्रों अब हम बात करते हैं वैद्युत रासायनिक शैल यानी दूसरी प्रकार की शैल, तो इसे मिटाते हैं, बने रहिए मेरे साथ छात्रों। हाँ छात्रों हम बात करते हैं वैद्युत रासायनिक शैल की यानी इलेक्ट्रोकेमिकल शैल। छात्रों वैद्युत रासायनिक शैल एक ऐसी शैल है जिसके माध्यम से हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया करा करके हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। छात्रों इस प्रकार की सेल को हम गैल्वेनिक या वोल्टी सेल भी कहते हैं और डेनियल सेल इसका एक प्रमुख उदाहरण है। चलिए छात्रों आप बात करते हैं वैद्युत रासायनिक सेल की कार्य प्रणाली के बारे में। इसकी कार्य प्रणाली को हम अध्ययन करने के लिए एक उदाहरण ले रहे हैं डेनियल सेल का, जो कि एक वैद्युत रासायनिक सेल है का एक प्रमुख उदाहरण है। है क्या डेनियल सेल, जरा इसे समझिए। हम इसके लिए पहले इसे लिखने पढ़ने से पहले या समझाने से पहले हम इधर आपको समझाते हैं। छात्रों डेनियल सेल में जिंक छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में तथा कापर छड़ को कापर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। इन दोनों विलयनों को अर्थात जो दोनों पात्र हैं इन दोनों विलयनों को एक साल्ट ब्रिज के माध्यम से जोड़ दिया जाता है जिससे एक कंप्लीट सेल पूरी हो जाए। छात्रों ध्यान दीजिए जिंक सल्फेट में डुबोई गई है तो इस पूरे पार्ट को हम अर्धसेल कहेंगे, अर्थात जिंक का अर्धसेल है। इस पूरे पार्ट जिसमें कापर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है तो इस पूरे पार्ट को यानी पात्र सहित पूरे पार्ट को हम कापर का अर्धसेल कहेंगे या अर्धसेल कहेंगे। छात्रों इन दोनों अर्धसेलों को साल्ट ब्रिज के माध्यम से जोड़ दिया गया है और यह पूर्ण सेल बन गई है। जब हम इन दोनों इलेक्ट्रोडों अर्थात जिंक और कापर के इलेक्ट्रोडों को वोल्टमीटर के माध्यम से जोड़ते हैं तो जिंक पर ऑक्सीकरण क्रिया होने लगती है, अर्थात जिंक से जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन के रूप में इसमें आने लगते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे इस पर चले जाएंगे और यह इलेक्ट्रॉन वोल्टमीटर के माध्यम से होते हुए कैथोड पर जाने लगते हैं और कैथोड पर कापर सल्फेट जो होता है कापर सल्फेट कापर आयन जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन लेकर के कापर के रूप में इलेक्ट्रोड के ऊपर अपचयित होने लगता है और जब इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है और धारा का प्रवाह विपरीत दिशा में होता है, अर्थात धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की तरफ जबकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हमने क्या दिखाया था एनोड से कैथोड की ओर। देखिए ये हमने तीर से दिखाया है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह और धारा का प्रवाह हमने यहां पर दिखाया है जो कैथोड से एनोड की तरफ, और इस धारा के प्रवाह को हम वोल्टमीटर में देख लेते हैं, समझ जाते हैं कि धारा का प्रवाह प्रारंभ हो गया। लवण सेतु समझ में छात्रों आते हैं, लवण सेतु होता क्या है, लवण सेतु मोस्टली पोटेशियम के नाइट्रेट या सल्फेट या क्लोराइड होते हैं जो एगार या जिलेटिन के लेप में बना करके इसमें लगाया जाता है और यह दोनों विलयनों के मध्य उदासीन विद्युत उदासीनता बनाए रखना
तथा एक सर्किट को पूरा करने का कार्य करती है। जरा लवण से तो कार्यकर्ता किसे करता है जरा हम बताते हैं। जैसे जिंक धातु से जिंक आयन के रूप में यहाँ आने लगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करके इलेक्ट्रॉन जो त्याग गया वो जिंक इलेक्ट्रोड से तार के माध्यम से कैथोड पर चले गए, तो क्या होता है विलयनों में जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है अर्थात धनायनों का सांद्रता बढ़ जाएगी। इसी प्रकार जब यहां पर क्या होगा कॉपर सल्फेट में कॉपर डिपोजिट हो जाएगा तो सल्फेट आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी यहां पर। अब इस स्थिति में जो इसमें जैसे मान लीजिए अगर KNO3 है पोटेशियम नाइट्रेट है तो पोटेशियम नाइट्रेट का नाइट्रेट वाला हिस्सा यानी NO3 इसमें इसके माध्यम से यानी साल्ट ब्रिज के माध्यम से यहाँ से NO3 इसमें आ जाएगा और इसकी न्यूट्रल इसके पॉजिटिविटी को उदासीन कर देगा और इसी में से इसको मिटा देते हैं छात्र और इसमें से पोटेशियम यहाँ से इसमें आ जाएगा पोटेशियम आयन और ये सल्फेट आयन के ऋणात्मक आवेश को उदासीन करने का कार्य करेगा और ये पोटेशियम सल्फेट परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार यह साल्ट लवण सेतु दोनों विलयनों में विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है और एक पूरे सर्किट को कंप्लीट करने का कार्य करता है। जिंक धातु पर ऑक्सीकरण क्रिया होने के कारण यह एनोड की तरह कार्य करता है और कॉपर पर अपचयन क्रिया होने के कारण क्योंकि कॉपर आयन कॉपर में डिपोजिट हो रहे हैं या जिंक आयनों में परिवर्तित हो रही है तो कॉपर आयन का कॉपर में परिवर्तित होने के कारण यानी अपचयन होने के कारण के कैथोड का कार्य करता है। इसका ऋण ध्रुव एनोड होता है जबकि इसका धन ध्रुव कैथोड होता है। ऐसा क्यों होता है जरा बताते हैं छात्र। देखिए ऋण ध्रुव इसलिए एनोड होता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन इस तार के माध्यम से कैथोड की तरफ जाते हैं अर्थात यह इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऋण आवेशित होते हैं तो ऋण आवेश के इस पर आवेश ज्यादा हो जाता है, एनोड पर ऋण आवेश अधिक हो जाता है जिसके कारण ये ध्रुव कहलाता है और इस पर ऋण आवेश हो यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है इसलिए धन ध्रुव की कहलाता है। वही छात्रों हमने लिखा है जरा अब आप समझने की कोशिश करिए। इधर आइए डेने सेल में हमने क्या लिखा जरा इसे देखिए। इस सेल में जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में तथा कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है। जैसे हमने जिंक की छड़ की धातु को जिंक सल्फेट के विलयन में तथा कॉपर छड़ की धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया है। दोनों विलयनों को लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाता है अर्थात दोनों विलयनों को लवण सेतु के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। लवण सेतु परपथ को पूर्ण करता है और विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। लवण सेतु इस पूरे परपथ को पूर्ण करता है और विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। जैसे अभी हमने बताया कि नाइट्रेट आयन इधर आ जाते हैं जिंक आयनों को न्यूट्रल कर देता है और पोटेशियम नाइट्रेट विलयन हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो पोटेशियम इधर आकर के इसमें सल्फेट आयनों की अधिकता को न्यूट्रल कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को वोल्टमीटर से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होने लगता है तथा विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ होने लगता है और धारा का प्रवाह विपरीत दिशा में हमने दिखाया यानी कैथोड से एनोड यानी कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ धारा का प्रवाह होने लगता है। इस सेल में जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक धातु दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर जेडएन के रूप में विलयन में आ जाता है यानी जिंक जो है जिंक धातु इसमें से दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर जेडएन 2+ में विलयन में आ जाता है तथा कॉपर इलेक्ट्रोड से दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कॉपर आयन धातु कॉपर में परिवर्तित होकर कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा होती रहती है। और यहाँ पर क्या होता है कॉपर सल्फेट से कॉपर जो धातु के आयन हैं ये इससे दो इलेक्ट्रॉनों कॉपर इलेक्ट्रोड से दो इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर धातु कॉपर के रूप में इस पर अपचयित हो जाता है इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपक जाता है कॉपर की धातु ठीक कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा होती रहती है। इस प्रकार इस सेल में जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होने के कारण यह एनोड की तरह कार्य करता है जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन होने के कारण ये कैथोड की तरह कार्य करता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ है तो ऑक्सीकरण हुआ है इसलिए एनोड की तरह कार्य करता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का कॉपर आयनों ने ग्रहण कर लिया है और अपचयन हुआ है इसलिए कैथोड की तरह कार्य करता है। तो छात्रों एनोड पर क्या हो रहा है तो वो अभी हमने बता ही दिया है। एनोड पर जिंक जो छड़ है जिंक से जिंक जेडएन 2+ आयन +2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ वोल्टमीटर यानी तार के माध्यम से चले जाते हैं।
अब कैथोड पर क्या होता है, जो ये दो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं जो यहाँ पर आए हैं इस कैथोड पर, वहाँ पर कॉपर आयन, जो सल्फेट कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन है, कॉपर टू आयन, ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में अपचयित हो जाते हैं। तो ये अर्धापक्रिया ऑक्सीकरण अर्धापक्रिया होती है, जहाँ जिंक का जिंक आयनों में ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि कॉपर आयन कॉपर में अपचयित हो रहा है, इसलिए कॉपर ये अपचयन अर्धक्रिया होती है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें छात्रों, तो ये सेल जो पूरी होती है ये क्या होती है, जेडेन जिंक प्लस कॉपर आयन गिवन टू जिंक आयन प्लस कॉपर धातु के रूप में, अर्थात जिंक का जिंक आयनों में ऑक्सीकरण तथा कॉपर आयन का कॉपर धातु में अपचयन हो रहा है। ये इस अभिक्रिया, ये पूर्ण अभिक्रिया है छात्रों। अब आप देख रहे हो कि जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अपचयन हो रहा है, तो ये अभिक्रिया क्या है, अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हो रही, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं छात्रों। तो वही हमने लिखा है, उपरोक्त पूर्ण अभिक्रिया को सेल अभिक्रिया कहते हैं, ये सेल अभिक्रिया भी कहलाती है, या सेल की रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे बात करते हैं कि कौन धन ध्रुव कौन ऋण ध्रुव होता है, तो एनोड, वही हमने लिखा है, इस सेल का ऋण ध्रुव एनोड होता है तथा धन ध्रुव कैथोड होता है। क्यों होता है ऋण ध्रुव, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का आवेश पर ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन धनी होता है इसलिए ऋण ध्रुव होता है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला होता है इसलिए धन ध्रुव होता है। समझ गए, इलेक्ट्रॉनों का अधिकता के कारण ऋण ध्रुव, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण इस इलेक्ट्रोड पर यह धन ध्रुव होता है। लेकिन अगर हम इस सेल को, यानी विद्युत स्थानीय सेल को प्रदर्शित करें या लिखें, तो किस तरीके लिखेंगे, तो इसको हम इन प्रकार की, जहां गैल्वेनिक सेल हो या वेल्टिक सेल इन्हें कहा जाता है, इन सेलों को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। वही हमने लिखा है सर, गैल्वेनिक सेल को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, कैसे, जैसे ये सेल हमने आपको दिखाया है, इस सेल को किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, हाँ, तो उसी इलेक्ट्रोलाइट के विलयन के सेपरेशन को एक वर्टिकल लाइन से तथा दोनों विलयनों को साल्ट ब्रिज जो दिखाया गया है, इस साल्ट ब्रिज को दो वर्टिकल लाइन से पृथक करते हैं। तो वही चीज यहां पर दिखाया गया है, अर्थात जिंक टू जिंक सल्फेट, यानी एक जिंक धातु को जिंक सल्फेट से पृथक करने के लिए एक वर्टिकल लाइन दिखाएंगे, और दो वर्टिकल लाइन को हम साल्ट ब्रिज के माध्यम से, लवण सेत जो है, दो वर्टिकल लाइन का मतलब लवण सेत होता है, जिंक जिंक आयनों में परिवर्तित हो रहा है, जबकि यहां पर कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन कॉपर में अपचयित हो रहे हैं। तो यहां पर देख रहे हो छात्रों, एक ध्यान रखिए, तो रसायन विज्ञान की पद्धति है, उसके अनुसार छात्रों दाहिने तरफ हम कैथोड को तथा बाएं तरफ हम एनोड की अर्धक्रिया को लिखते हैं, वही यहां पर हमने लिखा है, और इसको दूसरे तरीके लिख सकते हैं, अगर हम सल्फेट न लिख रहे तो इसे आयन के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे जेडेन वन वर्टिकल लाइन जेडेन टू प्लस दो वर्टिकल लाइन कॉपर आयन, ये कॉपर आयन में आ जाएगा, कॉपर टू प्लस वन वर्टिकल कॉपर आयन। तो इस तरीके से भी छात्रों लिख सकते हैं, किसी भी गैल्वेनिक सेल को या वो वोल्टिक सेल को या विद्युत रासायनिक सेल को इसी तरीके से लिखा जाता है छात्रों। वन वर्टिकल लाइन मतलब होता है कि कोई धातु उसके इलेक्ट्रोलाइट से वन वर्टिकल लाइन से अलग पृथक होती है, और दो वर्टिकल लाइन मतलब है कि वो साल्ट ब्रिज से जुड़ा हुआ है, अगर दो वर्टिकल लाइन नहीं दी हुई है तो उसका मतलब वो साल्ट ब्रिज से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके छात्रों से हम सेल को लिखते हैं या लिख करके प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। ठीक छात्रों, आपने समझ लिया कि विद्युत अपघटनी सेल व विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, जरूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। अब मिलेंगे छात्रों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।